बताया जाता है कि इस फिल्म के सेट से ही अमिताभ और जया की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। फिल्म की कहानी सुबीर कुमार से शुरू होती है जो एक सिंगर हैं। सुबीर एक समृद्धि परिवार से है। सुबीर जब मायानी जया भादुड़ी से मिलता है तो मन में शादी करने का विचार आता है। उमा गांव में दुर्गा मौसी दुर्गा खोटे के साथ रहती है। उससे शादी कर बम्बई ला उसे सिंगर के रूप में पेश करता है। पत्नी को आगे बढ़ता देख सुबीर को प्रसिद्धि कम होने लगता है जो कि उसकी ईर्ष्या की वजह बन जाती है। इस पर सुबीर उमा से द्वेष करने लगता है और उनके वैवाहिक जीवन में तनाव होता है। एक संवेदनात्मक मोड़ पर दोनों के बिछड़ने के बाद उमा का गर्भपात होता है। बनते बिगड़ते भागडोर फिर से संभालते हुए फिल्म दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आती है। बता दें कि ये फिल्म तब आई जब दोनों के बीच प्यार के फूल खिले भी नहीं थे। लोग दोनों को साथ में देखना पसंद करते थे और आज भी लोग दोनों को साथ में पर्दे पर आने का इंतजार करते हैं। कहते हैं अभिमान ही वो फिल्म है जिससे इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। अभिमान का गाना लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही फिल्म तेरी बिंदिया रे अब तो है तुमसे हो, जिसे आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। फिल्म का नाम पहले अभिमान नहीं राग रागिनी रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। इस फिल्म से खासकर अमिताभ और जया बच्चन की काफी पर्सनल यादें जुड़ी हुई हैं। अमिताभ और जया बच्चन ने इस फिल्म में अपने पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि ये फिल्म की को प्रोड्यूसर सुशीला कामत थी जो जया बच्चन की सेक्रेटरी थी। इस फिल्म की जया बच्चन को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि फिल्म किशोर कुमार और रोमा घोष की लाइफ से इंस्पायर थी। इस फिल्म के दौरान अमिताभ और जया के बीच की नजदीकियां और भी बढ़ी थी और दोनों ने शादी का फैसला भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान की थी। माना जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी और बच्चन परिवार से काफी करीबी रिश्ता था। इसके साथ ही जया भी उन्हें काफी मानती थी। बता दें कि जया ने ऋषिकेश मुखर्जी को अपनी शादी में इनवाइट करने खुद गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर आने से इनकार कर दिया है कि वो उस दिन किसी की शादी में जा रहे हैं। बाद में ये सुनते ही जया थोड़ी उदास हो गई। फिर ऋषिकेश हंसते हुए कहते हैं अमिताभ ने मुझे पहले ही बुला लिया था तो मैं उसकी तरफ से आऊंगा। आज भी लोग इस फिल्म को काफी पसंद करते हैं। 70 के दशक की ये फिल्म अमिताभ और जया को हिंदी सिनेमा की बेस्ट जोड़ी बता गई। इस फिल्म के बाद दोनों स्टार्स ने शादी कर ली थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।